शालोम अलैकुम, मसीह में भाइयों बहनों को प्रभु यीशु में शांति हो। आज का हमारा वचन है यशाया 35 और उसकी पहली आयत। इसमें लिखता है, जंगल और निर्जर देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मगन होकर केसर की समान फूलेगी। मसीह में भाइयों बहनों, ये वचन है प्रभु की ओर से जो हमें कहता है कि चाहे तुम कैसा भी जीवन जी रहे हो, पर वो एक दिन केसर के समान फूलेगी। अगर हमारे घर में कोई पेड़ पौधा है तो हमें पता होगा कि एक पेड़ को बड़ा करने में बहुत मेहनत लगती है, उसको केयर करनी पड़ती है, उसको बड़ा होने के लिए उसको क्या चाहिए, कौन सी खाद डालनी है वो हमें पता होना चाहिए, बहुत ज्ञान लगता है हमारा, उसको संभालना पड़ता है, आसपास के जानवर उसको ख़राब नहीं कर दे, आस पड़ोस के लोग उसको ख़राब नहीं कर दे, उसको कैसे मेंटेन करना है सब कुछ हमें होना चाहिए। पर प्रभु यहाँ हमें बता रहा है कि जैसे केसर फूलता है ऐसे हमारा जीवन भी फूलेगा। जैसे बंजर जमीन होती है उसी तरह का हमारा जीवन होता है, रेगिस्तान की तरह जो किसी को अच्छा नहीं लगता, जहाँ पे कुछ भी हो नहीं सकता, कोई फूल या कोई पौधा वहाँ पे खिल नहीं सकता, केवल कांटे होते, रेत होती है और गर्मी होती है जो किसी को अच्छी नहीं लगती। प्रभु के पास आने पर प्रभु हमें ये बताता है कि वो हमें बागीचे में कन्वर्ट कर देगा, वो हमारे अंदर फूल पैदा करेगा, हमारा जीवन वो एक गुलाब की तरह बना देगा। और ये काम केवल प्रभु यीशु कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हम अपने आप में तो बहुत करने की कोशिश करते हैं पर हम नहीं कर सकते। जब तक प्रभु हमें कन्वर्ट नहीं करता तब तक उसमें कुछ नहीं हो सकता। जैसे आप अगर देखें तो मरुभूमि में हम कितना भी पानी डालें वो चला जाएगा, उसमें से कुछ बाहर नहीं आ सकता। मरुभूमि एक ऐसी होती है कि जिसमें से कुछ अच्छा नहीं निकल सकता, उसके लिए कोई एक्सपर्ट चाहिए जो उसको कन्वर्ट करे, जो उस भूमि को कन्वर्ट कर दे और उसमें से फूल उगाए। आज हमारा जीवन, कई हमारे में विश्वासी ऐसे है कि जिसका जीवन मरुभूमि के समान है, जिसमें से कोई फूल नहीं उग रहा, जिसमें से कोई फल नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो जीवन प्रभु के हाथ में नहीं है, वो प्रभु के बाड़े से बाहर है। प्रभु का एक और वचन यहां हम देखेंगे, यशाया 27 और उसका तीसरा वचन, जिसमें कहता है, मैं यहोवा उसकी रक्षा करूंगा, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिवस उसकी रक्षा करता रहूंगा, ऐसा न हो कि कोई उसको हानि करे। ये काम कौन करता है? पहली कलम में बोल रहा है कि मैं यहोवा उसकी रक्षा करूंगा। करने वाला कौन है? यहोवा है, यहोवा उसकी रक्षा करता है। कई बार हम अपने आप के बलबूते पे सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, तब हम फेल होते हैं और तब हमारा जीवन वापस से बंजर हो जाता है, मरुभूमि हो जाता है, हमारे कोई फल नहीं आ सकते। जब प्रभु उसकी रक्षा करता है, जब वो सींचता है, तब उसमें से फल आते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसको हर रोज पानी की जरूरत होती है, हर रोज उसको खाद की जरूरत पड़ती है, पर यहाँ परमेश्वर का वचन 27:3 में हमें क्या कहता है, मैं पल पल उसको सींचता रहूंगा। दिन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पर परमेश्वर का वचन कहता है पल पल उसको सींचता रहूंगा। कितना अद्भुत वचन है, एक परमेश्वर खुद अपने लोग को सींचता है, वो कोई हानि नहीं होने देगा, बस एक काम हमें करना है,
जिस भी कंडीशन में हम है उस कंडीशन से वापस आके प्रभु यीशु को अपना सब कुछ सौंप दे, और तब वो उसको फल लाने वाला बनाएगा। जैसे यूहन्ना में कहता है ना कि मैं द्राक्ष बाड़ी और तुमको मुझसे जुड़ के रहना है तभी आप फल लेके आओगे। बस यही वचन आज के लिए हम यहाँ अटकते हैं, और आइए प्रार्थना करें। ए हमारे परमेश्वर, हमारे पिता, हमारे जिंदा खुदा, हम हमारा जीवन आपको समर्पित करते हैं। आप उसको फल लेने वाला बनाइए, हमारी सारी अड़चनों को दूर कीजिए, हमारे हमको नम्र कीजिए, हमको नीचा कीजिए, हमको तोड़िए, मरुभूमि से आप हमें केसर के समान बनाइए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।